बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। NAN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नासरीन, बुलेटिन में आपको सबसे पहले खबर देंगे कोर्ट छुट्टा से। तो ज़िमनी इंतखाबात NA 193 में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन बोल्ड कर दिया है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा NAN24 न्यूज़ एचडी मुरीद हुसैन तालपुर। ज़िमनी इंतखाबात NA 193 में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। कोई उम्मीदवार किसी की विकेट उड़ा रहा है तो कोई किसी को क्लीन बोल्ड कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला डेरा गाजी खान के सदर मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर इस वक्त NA 193 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की भरपूर कंपेन चला रहे हैं और कामयाबियाँ समेट रहे हैं। आज मौजा कासम वाला यूनियन काउंसिल कंबर शाह में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर रब नवाज खान तालपुर और मीर हजार खान तालपुर ने अपने दोस्तों और बिरादरी समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा ऐलान कर दिया। अब आपको बताएं कि पॉलिटिकल असिस्टेंट डेरा गाजी खान मोहम्मद असद चांदशाह ने रात गए हजरत सखी सरवर दरबार का विजिट किया। तफसीलात से आगाह करेंगे मुरीद हुसैन तालपुर। पॉलिटिकल असिस्टेंट डेरा गाजी खान मोहम्मद असद चांडिया का रात गए दरबार हजरत सखी सरवर का दौरा। उन्होंने दरबार में के दाखिली और खारजी रास्तों का विजिट भी किया। सिक्योरिटी पर तैनात जवानों को सख्त चेकिंग करने की हिदायत जारी की। पॉलिटिकल असिस्टेंट को सुलेमान मोहम्मद असद चांडिया ने हजरत सखी सरवर के हवाले से तैनात बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की ड्यूटी को चेक किया। असद चांडिया ने दरबार हजरत सखी सरवर पर सिक्योरिटी इंजामात, लंगर की तैयारी की निगरानी को भी चेक किया। उन्होंने मुजावरान की दरख्वास्त पर लंगर की तैयारी की तकरीब में शिरकत की। असद चांडिया ने तमाम दाखिली और खारजी रस्तों को मजीद सिक्योरिटी को मजबूत करने और उसे सख्त करने की हिदायत भी जारी की। जी, डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर कमांडेंट मोहम्मद असद चांदिया स्मगलिंग के खिलाफ मुतहरिक हो गए। कमांडेंट मोहम्मद असद चांदिया ने राखी घास में पंजाब से बलोचिस्तान खाद के स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। पंजाब से बलोचिस्तान नमक के नीचे छुपाकर खाद लेकर जाने वाला ट्रक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। ट्रक को थाना राखी घास ने बंद करके डिप्टी डायरेक्टर सराद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर DC क्यादत में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की आटा गंदम खाद की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद ने जखीरा किया गया पेट्रोल अपनी तहवील में ले लिया। 25,000 लीटर पेट्रोल बरामद कर लिया। जखीरा अंदोजी में मुलविस दो अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने कहा कि शहर के मुख्य पेट्रोल पंप का पैमाना भी चेक किया गया है। पैमाना पूरा न होने पर एक पेट्रोल पंप सील जबकि दो पेट्रोल पंप मालिकान को भारी जुर्माने किए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ बिला तफ्तीश कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। बाद असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने चेक पोस्ट का भी विजिट किया। अब आपको बुलेटिन में खबर देंगे तहसील चौक सरवर शहीद और इसके गिर्दो नवाह में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। ज़राअत के अफसरान खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने की बजाय दफ्तरों तक ही महदूद होकर रह गए। डीलर्स और स्टॉक माफिया ने गोदामों और दुकानों को भर लिया जबकि ब्लैक फ्रॉक करने में मसरूफ। किसान खाद के सरकारी रेट्स पर खाद के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाए वरना गंदम की फसल मुतासर होने का खतरा है। किसानों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहसील चौक सरवर शहीद में काला इल्म रखने वाला पीर तारिक अराई आवाम के लिए वबाले जान बन गया। बंगाली काला इल्म रखने वाला पीर तारिक अराई जो कि खुद को जमीन का खुदा कहता है और इसका ताल्लुक वास्ते लोगों से है, राज बताने पर कत्ल की धमकियां भी देता है और लोगों की जिंदगियां भी तबाह करने में मसरूफ है। मुतासर शख्स इसके वार से बचकर मीडिया के पास पहुँचने में कामयाब हो गया। नाम मोहम्मद मुदस्सिर था। बताया कि मैं एक मिल में काम करता हूँ, नहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक है। उसने कहा कि ये जादूगर है, काला इल्म रखता है और मेरी जान को खतरा है। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद का विजिट। हमाद हामिद का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद का महकमाना कार्रवाई का जायजा लेने के लिए तफसीलन दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड, ICU, मेल वार्ड और फीमेल वार्ड का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों से सहूलियात की फराहमी के बारे में दरख्वास्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद का कहना था कि हॉस्पिटल में अद्वियात की फराहमी और अमला की हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की और अवामुन्नास को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। अब बुलेटिन में आपको खबर दें कुहार से, तो जौहर सैफुल्ला खान की जारहाना इनिंग्स जारी है।
चकरधरा की गयूर आवाम ने जौहर सैफुल्ला खान के हक में अपना फैसला दे दिया। इलाका मशरान नौजवान मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान उलमा इकराम ने एक जबान होकर गौहर सैफुल्ला खान और ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल रहीम की आवाज़ पर लबैक कहते हुए भरपूर सपोर्ट और हिमायत का ऐलान कर दिया। इलाका मौजूदीन ने चकरधरा सिटी और दूर दराज के देहातों में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का भी अहद किया और खिदमत खल्क के लिए फर्जंदे को हाथ जौहर सैफुल्ला खान को कीमती वोट्स देने के अज़्म का भी इजहार किया। कोहार के साबिक वफाकी वज़ीर सैनेटर अब्बास खान अफरीदी पर तीन यूनियन काउंसिल्स की आवाम ने अपने हक में फैसला दे दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर अब्बास खान अफरीदी का हुजरा हाजी सैयद बादशाह मियाँ में तीन यूनियन काउंसिल्स के मायदीन ने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तो छिमे इलाका बंगिश के आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इलाका मायदीन ने साबिक वफाकी वज़ीर अब्बास खान अफरीदी से बिजली और गैस के हवाले से तफसीलन गुफ्तगु की। इस मौके पर इलाका मशरान ने अब्बास खान अफरीदी का इलाका बंगिश से मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट का ऐलान किया। भारी अक्सरियत से कामयाब कराने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर साबिक वफाकी वज़ीर अब्बास अफरीदी ने कहा कि मैंने हमेशा आवाम की खिदमत को तरजीह दी है, बगैर किसी ओहदे के आवाम की खिदमत जारी रखूंगा। खबर शामिल करते चलें दीपालपुर से, तो मारूफ बिजनेसमैन शेख हसनैन हैदर की साहबजादी अपनी जिंदगी की बासी हार गई। शेख मोहम्मद अहमद ऑफ दुबई नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकाड़ा, शेख अली अहमद की भतीजी और मरहूम शेख मोहम्मद सरवर जावेद एडवोकेट की नवासी और मारूफ बिजनेसमैन शेख हसनैन हैदर की बेटी अपनी जिंदगी की बासी हार गई थी, जिनकी नमाज जनाजा इनके वालिद मोहतरम शेख हसनैन हैदर ने अदा करवाई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद हज़ार हम आवाज़ पराचा ग्रुप के अहदेदारान हाजी शहजाद अहमद पराचा, शेख अमजद हुसैन खलील रहमान, शेख अमजद नवाज शेर अली वाला और दीगर ने शेख अहमद ऑफ दुबई रहायश का पर इनसे तासीयत की और मरहुमा के वालिदैन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। मछियारी पुलिस ने भी मनशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मछियारी पुलिस ने मनशात फरोशों और गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। 2330 क्रैम चर्च, एक बगैर लाइसेंस टी टी पिस्टल जमा, 8 अदद बुलेट्स, 1200 अदद मेन पुड़ियाँ बरामद, जबकि 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। थाना से कोच बच्चा और शाहपुर में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खबर है चोटी जीरी से, तो चोटी जीरी में 22 रजब की मुनासबत से न्याज का अहतमाम किया गया। 22 रजब न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सिलसिला में शहर भर की तरह मस्जिद इमाम समाना पर भी न्याज का अहतमाम किया गया, जिसमें रजा हुसैन हैदरी, आशिक हुसैन, साजिद हुसैन, मोहसिन अब्बास, गुलाम असर, तस्लीम रजा, अख्तर अब्बास, साकिब अली, मौलाना अख्तर अब्बास से मोजसा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर आया। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने भी वाज़ह अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद इसहाक ने कहा कि हाई कोर्ट सखर बेंच की जानिब से वाज़ह अहकामात जारी किए गए हैं कि किसी भी सरकारी इमारत का गैर कानूनी तौर पर किसी सियासी शख्सियत के नाम से मंसूब ना किया जाए। इसके लिए बाकायदा तौर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में शक नंबर 85 और 86 में वाज़ह किया गया है कि लोकल काउंसिल की करारदाद पास करके किसी सरकारी इमारत या सड़क पर नाम रखा जाता है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर मंसूब किए गए सरकारी इमारतों और सड़कों के नामों के बोर्ड्स हटाए जाएं। हर एक महकमा अपनी अपनी बिल्डिंग, सड़कें और दीगर जगहों पर लगाए जाने वाले बोर्ड्स को हटाकर रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको खबर दें शकरगढ़ से, तो शकरगढ़ में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। शहरी आटे के हसूल के लिए जुलने लगे शहरी परेशान, आटे के हसूल के लिए मर्दों खवातीन की लंबी कतारें, आम मार्केट में आटा गायब, सस्ते आटे की रसद कम, तलब ज्यादा हो गई। शकरगढ़ में 8 लाख आबादी के लिए आटे के 3 सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि 2 सेल पॉइंट्स शहर जबकि 1 नूरकोट में कायम है। 10 से 20 किलोमीटर दूर के मवासात से आए हुए शहरी मायूस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि आटे की तकसीम और तरसील रेवन्यू अफसरान की निगरानी में की जा रही है। अब आपको बताएंगे शकरगढ़ में कप्तान इमरान खान की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। रैली की क्यादत डॉक्टर ताहिर जावेद कर रहे थे, जिसमें महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई, जबकि रैली दरमान चौक से शुरू होकर इखलासपुर रोड तक इख्तिताम पजीर हो गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।